ओ, आज है सैटरडे। जी हाँ, वही सैटरडे। सैटरडे करते हैं एक दिन की और शुरुआत। देखते हैं आज वाला दिन कहाँ ले जाके छोड़ता है। वैसे प्यार तो आप काफ़ी दिखा रहे हो, क्या मतलब आखिरी वाले ब्लॉग पे केवल और केवल 40 व्यूज आए। अब जो भी है देख लो। तो यार वो कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुंचने तक कदम बढ़ाने पड़ते हैं। खैर प्यारा सा मौसम था तो कदम भी बढ़ चले थे। आज की राशि में लिखा हुआ था, बावंश भूमि से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने के योग हैं, समझदारी से समस्या का निवारण होगा। खैर अब तो उस विधान खुद बाबा साहब भी आके बोलेंगे तो भी नहीं बदलेगा। ये आज की फ्रंट हेडिंग थी। खैर इसको लेने का मतलब ये था कि यार आजकल बहुत सारी टॉक्सिसिटी चल रही है क्योंकि चुनावी माहौल है। खुद को संभालिए, खुद को बचाइए और जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट कीजिए। खैर पहुंच गया था कॉलेज, जहां थोड़ा सा जल्दी पहुंचने की बदौलत आज मेरी अटेंडेंस लगी 9:09 पे। मैंने बायोमेट्रिक रिकॉर्ड की भाई। खैर जो भी हो, हमें तो देखो क्रिएटिव बनना पड़ता है, काम जो रिकॉर्ड करना है। हालांकि व्लॉगिंग कैसे इंटरेस्टिंग बन सकती है, खैर सीख लो मुझसे अगर इंटरेस्टिंग बना पा रहा हूँ तो मैं, और अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो मुझे राय दीजिए कि मैं क्या नया कर सकता हूँ। खैर जो भी हो, घिसा पिटा सा जो काम है वो तो देखो करना ही है। आजकल हमारी महफिल में 17 से 18 लोग जुड़ जाते हैं। जी हाँ, डेली ओएस डिपार्टमेंट में 17 से 18 लोगों की महफिल जमती है। अच्छा भी लगता है, जाते जाते कम से कम एकांत का माहौल तो नहीं बनता है। खैर जो भी हो, थोड़ी देर बाद माहौल बना। हम आ गए थे आउटर कैंटीन, जहाँ हमने महफिल जमाई और पी डाली एक चाय। चाय पीने के बाद हम पहुँच गए थे वापस से हमारे डिपार्टमेंट में, जहाँ मुझे पता चला कि चंदू भैया आ गए, तो मौज मस्ती करने इनके पास पधार गया था। जी हाँ, इनसे कुछ हंसी मजाक चल ही रहा था, इतने में वापस डिपार्टमेंट में आया। मैंने देखा यार कुछ तो चल रहा है, चोर पुलिस खेल रहे थे यार। खैर ये सब देख के मेरी आंखें भर आई थी। हो चली थी शाम, बारिश का था माहौल। जी हाँ, जब तक मैं इस कहानी में रंग भर रहा हूँ, बारिश हो रही है। कहते हैं ना कि जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन आपको ऐसे लेने पड़ते हैं जिनका मतलब बाद में रिग्रेट करोगे तो और ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाएगी। ये ठीक मेडिकल परिभाषा में वैसा ही है कि अगर बीमारी को जल्दी पकड़ लिया जाए तो आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, बाद में अगर पकड़ा जाए तो बहुत सारी केसेस में तो क्योर ही नहीं होता, और जब क्योर मिलता है तो यू हैव टू सफ़र अलॉट। बस यहाँ ये बात ना तो बीमारी की थी और ना डिसीजंस की थी। समझदार हैं आप, समझ जाइए। खैर मुझे नहीं लगता कि आप ब्लॉग की इस हद तक आए हो कि आपने जो मैंने बात बोली वो सुनी समझी होगी। अगर आए हो तो आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, कुछ राय मान भी लेनी चाहिए। खैर ये गमीज थी, कभी खानी हो तो आना हवेली पे। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यार आपके लिए। ये था एक प्यारा सा नज़ारा, जी हाँ चांद का मेरे साथ। भाई न किया करो भाईचारा, चुप है लिखा सुना सब पढ़ते हैं, हम दिखाते हैं रिश्ते निभाने में है।